मंदसौर जिले में पिछले कई दिनों से आशा उषा कार्यकर्ता और सहायिका संघ की हड़ताल जारी है। संघ ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे पूरी न होने पर आगामी चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी दी। संघ ने वित्त मंत्री से अतिरिक्त वेतन देने सहित अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की। वहीं वित्त मंत्री ने मांगों को लेकर जल्द निराकरण का आश्वासन दिया है। इंदौर में बारिश के मौसम के कारण कई स्थानों पर जल जमाव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन को शिकायत की। इस दौरान निगम आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा जल जमाव की स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों के साथ शहर के कई स्थानों का दौरा किया गया। इसमें तिलक नगर की निचली बस्तियों से लेकर शहर के मध्य क्षेत्र शामिल है और निगम अधिकारियों को निर्देश दिए जल्द ही इसका समाधान करें। अपने यहाँ शहर की सीमा में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें हर वर्ष पानी भरता है, और ये पानी जनरली तब भरता है जब बहुत तेज़ बारिश होती है और एक साथ लगातार बारिश होती रहती है, ताकि पानी जब बारिश तेज होती है तब इन जगहों पे पानी भरता है। ऐसी जगह हम लोगों ने चिन्हित की हैं। इन जगहों में ये ध्यान रखा गया है कि इनमें या तो छोटी नाली कोई बनाकर या कोई स्ट्रॉ मोटर की लाइन डालकर हम लोग जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। इसीलिए आज दो तीन प्लेसेस को विजिट भी किया। इसमें जैसे अगर हम लोग बात करें, एक वन विभाग की कॉलोनी है, उसमें बहुत पानी भरता है 11 नंबर जोन में, तो उसमें पीछे एक नाली है, उसको और क्लियर करके कच्ची नाली खोद करके व्यवस्था बनाई जा रही है। ऐसे तिलक नगर में जो पानी भरता है वहाँ 150-200 फीट की एक स्ट्रॉ मोटर की लाइन हम लोग ले कर रहे हैं, आज से ही काम शुरू हो जाएगा। और आने वाले समय में फीस मैनर में हम लोग हर वर्ष उसे बढ़ाएंगे। जैसे इस वर्ष हम लोगों ने ये टारगेट रखा है कि तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास की स्ट्रॉ मोटर लाइन हम लोग ले करेंगे। तो इसी तरीके से ये बढ़ते बढ़ते जब स्ट्रॉ वाटर लाइन प्रॉपरली हो जाएंगी, सरफेस से पानी अच्छे से चैनलाइज होना शुरू होगा, तो ये जल भराव या जल जमाव की जो स्थिति होती है उसमें कमी आएगी।